हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता स्टाइल। अगर आपने इस वाली वीडियो को चूज किया है तो डेफिनेटली आपको मेरी और भी सारी वीडियोस पसंद आएंगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज मैं यहाँ पे रिव्यूज से रिलेटेड कंटेंट लेके आती रहती हूँ। ओके, गो इन द वीडियो विदाउट सेइंग एनीथिंग, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हमें यहाँ पे चाहिए फैब्रिक, कॉटन का फैब्रिक चाहिए। जस्ट उसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे, हमें यहाँ पे ज़्यादा फैब्रिक नहीं चाहिए। फिर उसमें 15 इंच फैब्रिक चाहिए, 1 इंच एक्स्ट्रा मान लो आप, 16 इंच इतना ही चाहिए। और इसकी लंबाई इतनी हो गई, या इसकी जो चौड़ाई है हमें इसे 3.5 इंच चाहिए, मतलब कि आप 4 इंच लेके चलिए, इतना हमें चाहिए बस। इतना सा कपड़ा आप कहीं से भी अरेंज कर सकते हो, आप जहाँ अपने ड्रेसेस को स्टिच करवाते हो वहाँ से आप से बोलिए कि हमारे ड्रेस का जो मैचिंग का कपड़ा बचा हुआ है आप मुझसे ले लीजिए, और इस तरह से या फिर उनसे आप बनवा लीजिए। जस्ट इसके सेंटर पे हमें एक डॉट देना है, और उसके बाद 2 इंच इस साइड और 2 इंच लेफ्ट एंड राइट साइड, दोनों साइड में हम ले लेंगे और उन डॉट को मैच कर लेंगे। मैच करने के बाद हम यहाँ से इसको कट करेंगे, पहले एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसको कट कर लेते हैं, और उसके बाद सेंटर में जो हमने लाइन दी हुई है हमें उतनी लाइन कट करनी है। चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। सेंटर में जो हमने कट किया हुआ है और जो 1 इंच का गैप छोड़ा हुआ है वहाँ पे उतना ही गैप छोड़े रहना है, वहाँ पे सिलाई नहीं करनी है। सिलाई करने के बाद इसको हम पलट देंगे अंदर की तरफ, सर पलट देंगे, ये सीधा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ से एक साइड से हमें राउंड करना है और दूसरे साइड के जो पार्ट्स हैं उनको है ना उसको इक्वली रखना है और सिलाई कर देनी है। और जहाँ से भी आपको ओपन साइड दिखेगा इसमें वहाँ से फिर पूरा हम इसको बाहर निकालेंगे। सेम ऐसे ही हमें सेकंड साइड से भी करना है। और जब हमने आपने देखा था हमने सेंटर में सिलाई की थी तो वहाँ पे 1 इंच छोड़ा हुआ था, तो जब हम दूसरी साइड से सिलाई करेंगे तो वो पार्ट हमें दिखाई देगा, तो वहाँ से हमें पूरा का पूरा बाहर कर लेंगे। चलिए फटाफट से मैं इसको बाहर कर लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे सीधा हो गया है, अब कुछ भी नुकीली चीज़ से हम इसके कॉर्नर्स को भी निकाल लेंगे बाहर को। नीचे साइड से हमने जगह छोड़ी है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इसके चारों कॉर्नर्स को सही कर लेंगे। चार कॉर्नर सही करने के बाद हम इसके चारों कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे, और जैसे ही हमने सेंटर पे जगह छोड़ी थी उसी के जस्ट ऊपर यहाँ पर भी हमें जगह छोड़ देनी है जहाँ से हम इंसर्ट करेंगे अपनी वायर को। ये वायर मैं यूज़ कर रही हूँ क्राफ्टिंग वायर, ये आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे या फिर ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हो। लाइन पे हमें चारों तरफ सिलाई लगाई है, उसी सिलाई में हमें पूरा इसको डालना है। चलिए फटाफट से डालते हैं और मैं दिखाती हूँ। वायर मैंने पूरी डाल ली है यहाँ पे, और अब जहाँ पे भी हमने स्पेस छोड़ा है वो वहाँ पे सिलाई कर लेंगे। डबल टैप करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि सिलाई खुलने का डर। चलिए अब मैं दिखाती हूँ इसको यूज़ कैसे किया जाता है। ये बन के रेडी हो गया हमारा हेयर बन मेकर एंड होल्डर, इसे बन भी बन जाता है और अपने हमारे बन को अच्छे से होल्ड भी करता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।